लक्सर से हैं, जहां प्रदेश में जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए आम आदमी पार्टी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाना शुरू कर दिया है। लक्सर में आज सदस्यता अभियान में जंग पूरा मेरा तो ये है कि अब जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है तो मैं जी जान लगा दूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा उत्तराखंड में से नंबर वन बनाने के लिए। मेरा इतना ही मैं इतना ही कह सकता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और इसके अच्छे कामों से प्रभावित होकर, असली सच्चे मुद्दों से प्रभावित होकर, कि बेकार के मुद्दों से नहीं, जो मुद्दे की जरूरत है उन मुद्दों पे मैंने इसे चयन करा है और इसके साथ जी जान लगा दूंगा। सबको पता है कि उत्तराखंड में 70 की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती चुनाव लड़ने जा रही है और लगातार आम आदमी पार्टी का संगठन जो है उत्तराखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से भाजपा और कांग्रेस की नींदें हराम है। भाजपा और कांग्रेस में लगातार जो है उतावलापन है और लगातार रोज़ाना बेसिस पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो नई नई प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभा में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे वो उत्तराखंड के ही लोग होंगे, उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तराखंड के लोग ही आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, चाहे विधायक हो, चाहे यहाँ का जिला पंचायत हो, चाहे यहाँ का कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हर व्यक्ति जो है चुनाव लड़ने वाला भी, चुनाव लड़ने वाला भी और वोट देने वाला भी, सभी लोग जो उत्तराखंड के ही होंगे। सर, लक्सर में इस बार आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव के लिए दस्तक दी है, इसके लिए जो अमित चौधरी को यहाँ से जोड़ा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि लक्सर जैसी सीट पर आम आदमी जो है कामयाबी हासिल कर पाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है लगातार उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है और जैसे जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस की जिस तरीके की नींदें हराम है, उससे आपको पता लग रहा होगा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के आगे बढ़ने के कारण किस तरीके से इन लोगों की नींदें उड़ी पड़ी है। आज अमित चौधरी जी ने यहाँ पे आम आदमी पार्टी का यहाँ पे सदस्यता ली है। अमित चौधरी जी के आने से आम आदमी पार्टी लक्सर विधानसभा में बहुत मजबूत होगी और तमाम जिस तरीके से ये अमित चौधरी जी का समाज सेवा में भरपूर काम रहा है, जिस तरीके से इन्होंने शहीद सैनिकों के घर वालों की मदद करी है, उनके परिवार की मदद करी है। आपको पता है कि दिल्ली में जिस तरीके से 1 करोड़ का मुआवजा जो है शहीदों के परिवार को दिया जाता है, सम्मान राशि जो है उनके परिवार को दिया जाता है, उस सम्मान राशि, उसी तरीके से अमित चौधरी जी भी लगातार इन परिवारों की मदद करते हैं, इन परिवारों के साथ मिलकर लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं इस मुश्किल वक्त में। तो ऐसे लोग आएंगे, ऐसे युवा आएंगे तो आम आदमी पार्टी बेशक मजबूत होगी और आम आदमी पार्टी इस बार जो है उत्तराखंड में पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अभी तक लक्सर में आम आदमी पार्टी का कोई खास अस्तित्व देखने को नहीं मिला है, आपको क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत लेकर आएगी या फिर किसी गठबंधन के जो तहत सरकार बनाएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी जो हम चुनाव लड़ने का निर्णय किया है और आम आदमी पार्टी लगातार जो है संगठन मजबूती की ओर बढ़ रही है। अभी हमारी 70 की 70 वैनें पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव तक पहुंच रही है और गांव में उत्तराखंड में किस तरीके दिल्ली के बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल, बढ़िया स्कूलों का मॉडल किस तरीके से हमने दिल्ली में किया, उसी तरीके से हम उत्तराखंड में कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे, उन सारे बातों की गांव-गांव में जाके चर्चा हो रही है और हर एक गांव में आम आदमी पार्टी के संगठन मजबूत हो रहा है, आम आदमी पार्टी की समितियां बनाई जा रही हैं, आम आदमी पार्टी के बूथ प्रतिनिधि बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद जो है आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है और लक्सर विधानसभा में अमित चौधरी जी के आने से लक्सर विधानसभा में बहुत मजबूती मिलेगी। सीएम तो जब विधायक बनेंगे उसके बाद चुना जाएगा ना, चेहरा कौन होगा? चेहरा यहाँ के लोग बताएंगे, चेहरा उत्तराखंड के लोग बताएंगे, अभी कोई तय नहीं है। बाकी अभी मेरे साथी पूछ रहे थे कि भाई यहाँ कैसे होगी, दिल्ली में कभी कोई आदमी सोच सकता था कि 70 में से 67 सीटें आएंगी और वो भी 3 साल की बनी हुई पार्टी से? तो लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग अपना अधिकार चाहते हैं, सभी बात है कि अधिकार चाहते हैं लोग अपना, अब लोग जागरूक हो गए हैं। सर, पीछे पूर्व में बीजेपी कंचन चौधरी ने यहाँ चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी से, तो वो तो एक शख्सियत थी जो अब हम आपने जो प्रेजेंट कराया अमित चौधरी जी को, ये बिल्कुल नए हैं, तो किस तरह की रणनीति होगी, चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा आपकी पार्टी द्वारा? देखिए, 2013 से पहले जो हमारे मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, आप जानते थे क्या उन्हें कोई? तो यहीं से चेहरे निकल के आएंगे, यहीं के लोग आएंगे शासन में, अच्छा शासन चलेगा।